नमस्कार, स्वागत है आपका सीटीडी न्यूज़ में। इसराइल और गाजा द्वारा एक दूसरे पर किए गए हवाई हमलों की वजह से दोनों ओर लोगों को जान गंवानी पड़ी है। गाजा में स्थित स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि इजरायली एयर स्ट्राइक में गाजा की इकलौती कोविड टेस्टिंग लैब नष्ट हो गई है। 10 मई से ही इसराइल और फिलिस्तीन के बीच संघर्ष चल रहा है। फिलिस्तीन की गाजा पट्टी से चरमपंथी संगठन हमास लगातार इसराइल पर रॉकेट दाग रहा है। वहीं इसराइली भी जवाबी कार्यवाही में गाजा पट्टी पर बमबारी कर रहा है। बता दें कि गाजा पट्टी पर हमास शासन चलाता है। दूसरी ओर यरूशलम और वेस्ट बैंक में मंगलवार को फिलिस्तीनियों ने एक बार फिर प्रदर्शन किया। दोनों पक्षों के बीच संघर्ष को समाप्त करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद एक आपातकालीन बैठक आयोजित करने वाला है। दूसरी ओर प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि जब तक जरूरी होगा तब तक गाजा पट्टी के ऊपर कार्यवाही की जाती रहेगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि गाजा पट्टी पर किए गए हवाई हमले में यहां मौजूद एकलौती कोविड 19 टेस्टिंग लेबोरेटरी तबाह हो गई। वहां कतर की रेड क्रेसेंट ने कहा कि इजरायली हवाई हमले में इसका एक ऑफिस भी क्षतिग्रस्त हो गया। गाजा में कोरोना वायरस टेस्ट पॉजिटिविटी रेट दुनिया में सबसे अधिक है। गाजा में 28% कोरोना वायरस टेस्ट पॉजिटिविटी रेट है। यहाँ मौजूद अस्पताल पिछले 15 सालों से इजरायली नाकाबंदी का सामना कर रही हैं। गाजा में बढ़ते कोरोना मामलों की वजह से यहाँ अस्पतालों में बड़ी संख्या में मरीज भर्ती हैं। दूसरी ओर वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलम में इजरायली सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच कई जगहों पर फिर झड़प हुई। इस झड़प में कई फिलिस्तीनी घायल हुए जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। ये लोग गाजा में हो रही कार्यवाही को लेकर इजरायल के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। हवाई हमलों की शुरुआत होने के बाद से अब तक गाजा में 218 फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है, जिसमें 63 बच्चे भी शामिल हैं। करीब 1,500 फिलिस्तीनी इस हमले में घायल भी हुए हैं। दूसरी ओर इसराइल पर हुए हमले में 2 बच्चे समेत 12 लोगों की मौत गई है, जबकि 300 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहें सीटीडी न्यूज़ और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।